ठीक है, तो आज का टॉपिक है मूंग, ग्रीन ग्राम। मूंग और उड़द दोनों एक जैसा लगता है, सारे दोनों कल्टीवेशन प्रोसीजर्स एक जैसे होते हैं, थोड़ा डिफरेंसेस है, तो जहां पर डिफरेंस है मैं बता दूंगा, बाकी मूंग और उड़द में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कल्टीवेशन भी एक ही जैसा होता है। तो मूंग आज पहले मूंग से शुरू करते हैं, बीच में जो उड़द बता देंगे। तो मूंग सभी लोग जानते होंगे, दाल भी खाते हो, उसको मूंग का अंकुरित करके भी खाते हो, कहीं कहीं पर उसके पैनकेक्स तरह के बनते हैं, केक्स बनते हैं, ठीक है, मूंग देखे हुए खाते ही होंगे सभी लोग। तो मूंग का अगर हम लोग देखें तो मूंग को बहुत सारे अलग अलग जगह नाम अलग अलग रहता है, कहीं मूंग दाल बोलते हैं, कहीं मूंग, कहीं मूंग बोलते हैं, हिंदी में मूंग दाल बोलते हैं, ओके, मराठी में भी। ये एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, जैसे हमने उसमें बताया था अरहर में, वो भी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप था, ये भी एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में इसको खरीफ और समर दोनों में उगाया जाता है, जबकि साउथ इंडिया में इसको रबी सीजन में उगाया जाता है, के ग्रीन ग्राम मतलब मूंग इसको बोलते हैं। अगर इसका एरिया डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये जो है इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, फिजी, क्वींसलैंड और अफ्रीका कंट्रीज में उगाया जाता है, ठीक है। इंडिया इसका सबसे लार्जेस्ट ग्रोअर है, मेजर प्रोड्यूसर है, ठीक है। इंडिया में 3.6 मिलियन हेक्टेयर, मतलब 36 लाख हेक्टेयर, तो मिलियन में बताए 3.6 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। जिसका टोटल प्रोडक्शन इंडिया में 17 लाख टन है और प्रोडक्टिविटी इंडिया में सर 500 kg per हेक्टेयर है मूंग का, ओके। इंडिया में लगभग सभी स्टेट्स में उगाया जाता है, लेकिन जो मेजर ग्रोइंग स्टेट्स है जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एमपी, गुजरात, राजस्थान और बिहार, ये इसके मेजर ग्रोइंग स्टेट्स है, लेकिन ये हर स्टेट में उगाया जाता है इंडिया में मूंग, ओके। तो मूंग का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या फायदा है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होने का? तो मूंग एक सबसे पहले की दाल है, जैसे अरहर था वैसे ये भी दाल है, तो इसमें प्रोटीन ज्यादा होगा, जितने भी दाल होते हैं तो प्रोटीन, तो इसमें मूंग में भी 25% अरहर की तरह दाल प्रोटीन है, ठीक है। ये इजीली डाइजेस्टिबल है, इजीली डाइजेस्टिबल होने का मतलब है ये आराम से पच जाता है लोगों को, तो डॉक्टर भी जब पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप मूंग का दाल खाइए, ठीक है। ये विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, विटामिन B1, थायमिन और विटामिन सी का भी एक रिच सोर्स है, ठीक है, अच्छा सोर्स है। अगर विटामिन सी वगैरह जैसे स्प्राउटेड, जैसे हम पूरी मूंग खाते हैं तो उसमें विटामिन सी बहुत पाया जाता है। ये ग्रीन मैन्योर की तरह भी यूज किया जा सकता है, ग्रीन मैन्योर आप लोग जानते ही होगा एग्रीकल्चर के हो तो, ठीक है, नहीं तो आगे आप जान पढ़ चुके हो बहुत बार, ग्रीन मैन्योर मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। तो ग्रीन मैन्योर की तरह यूज किया जाता है इसको, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है, जैसे अरहर डीप रूट सिस्टम होता है और मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखता है, उसी तरह ये भी डीप रूटेड सिस्टम होता है इसका, तो ये सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, कम समय में पक जाता है, तो ये कहीं पर भी हम इसको दो फसल के बीच में अगर जगह बचा, हमारे पास टाइम बचा, तो हम वहां पर भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको कैटल के फीड की तरह के भी उगाया जा सकता है, खिलाया जा सकता है, जानवर के चारा के लिए भी उगाया जाता है, तो ये इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है मूंग का। अरहर का भी सेम इसी तरह से होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो मूंग दो तरह के होते हैं, मूंग कभी कभी देखो ग्रीन कलर का होगा या फिर गोल्डन या हल्का येलो कलर का होगा, येलोइश कलर का होगा, तो जिसको हम ग्रीन ग्राम बोलते हैं वो मूंग हरा रंग का होगा, और गोल्डन ग्राम भी मूंग ही है लेकिन ये हल्का पीला रंग का होता है, ठीक है। ग्रीन ग्राम जो होता है मोस्ट ज्यादातर कल्टिवेटेड यही है, गोल्डन ग्राम का यील्ड कम होता है, कभी कभी कुछ काला कलर का भी मूंग होता है, बहुत कम पाया जाता है, तो ब्लैक और ब्राउन सीड्स भी होते हैं मूंग के, लेकिन जनरली दो है, ग्रीन ग्राम और गोल्डन ग्राम, ये मूंग के ही है दोनों, ग्रीन ग्राम के ही दोनों टाइप है, मूंग का ग्रीन ग्राम भी और गोल्डन ग्राम भी, ठीक है। तो अगर इसका बोटनिकल डिस्क्रिप्शन देखा जाए मूंग का, तो जो है विग्ना रेडिएटा, पहले इसको फैसियोलस रेडिएटस बोलते थे, ठीक है, फैसियोलस रेडिएटस, जिसका फैसियोलस जीनस को बदल के विग्ना जीनस बना दिया गया है। फैबेसी फैमिली का है, जैसे अरहर फैबेसी फैमिली का, ये भी फैबेसी फैमिली का है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का ही टाइप है। इसका डिप्लॉयड में क्रोमोसोम नंबर 22 होता है, अरहर में भी इतना ही था, याद करना आसान रहेगा, ठीक है। इसके दो सब ग्रुप होते हैं अगर हम देखा जाए, एक को अगर मूंग को इसको सब ग्रुप किया जाए कल्टीवार के हिसाब से, तो दो तरह के होते हैं, एक होता है कल्टीवेटेड, एक होता है वाइल्ड टाइप का। तो कल्टीवेटेड में एक स्पीसीज होता है, एक स्पीसीज है जो सब स्पीसीज है, जो रेडिएटा है, विग्ना रेडिएटा, रेडिएटा सब स्पीसीज रेडिएटा बोलते हैं उसको, ये कल्टीवेटेड है, इसको उगाया जाता है। और जो वाइल्ड टाइप है, जो अपने आप वो करे ग्रो डेवलप हुए हैं, ठीक है, पहले से होता आ रहा है, तो वो दो तरह के होते हैं वाइल्ड टाइप, दो तरह के होते हैं, एक होता है सब स्पीसीज सब रोबोटा और दूसरा होता है सब स्पीसीज ग्लैबरा। ग्लैबरा एंड सब रोबोटा वाइल्ड स्पीसीज है, जबकि रेडिएटा एक आपको सब स्पीसीज रेडिएटा जो है वो कल्टिवेटेड है।
मूंग बीन जो होता है एनुअल क्रॉप है, मतलब एक साल में फ्लावरिंग होके फ्रूटिंग होके वो खत्म हो जाता है, तो एनुअल क्रॉप होता है एक सीजन में ही। इरेक्ट है, सीधा होता है, या कभी कभी सेमी इरेक्ट होता है, फैलने वाला भी होता है। तो फैलने वाला और सीधा, जो फैलने वाला होता है जनरली वाइल्ड टाइप का होता है, और जो इरेक्ट होता है जो सीधा से खड़ा रहने वाला, वो जनरली कल्टिवेटेड टाइप का होता है। इसका हाइट जो है 15 सेंटीमीटर से लेके 1.25 मीटर तक हो सकता है, ठीक है। इसका जो है जो स्टेम वगैरह होता है इसमें स्लाइटली हेरी होता है, हल्का हेरी होता है, जबकि इसका रूट सिस्टम बहुत ही डेवलप होता है। जनरली आपको लेग्यूमिनस क्रॉप का रूट सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। वाइल्ड टाइप टेन टू प्रोस्ट्रेट बताया, वाइल्ड टाइप जो होता है फैलने वाला होता है, ठीक है, और कल्टिवेटेड जो होता है सीधा होता है। स्टेम्स बहुत ब्रांचेस होते हैं इसमें, और कभी कभी टिप्स जो होते हैं ट्विनिंग होते हैं, घूमे टाइप करेगा टिप पे जो स्टेम है ना, हल्का ट्विनिंग टाइप करेगा। ट्विनिंग मतलब घुमा टेढ़ा, जैसे टेढ़ा हो जाता है ना घूम के, तो वैसे ऐसे रस्सी में एटर्न आ जाता है, तो एटर्न टाइप का होगा उसमें, तो ब्रांच के टॉप पे ऐसा ऐसा स्टेम हो सकता है, ठीक है। लीव्स जो होता है अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट बता चुके हैं, एक इस साइड होगा तो दूसरा इस साइड, तीसरा इस साइड, इस तरह से अल्टरनेट बियरिंग होता है लीव्स का। ट्राइफोलिएट बता चुके हैं, तीन है ना लीफलेट्स होंगे, और एलिप्टिकल और ओवेट भी बता चुके हैं अरहर में, इस शेप होता है लीफ का। तो और लीफ जो होता है 5 से 18 सेंटीमीटर लंबा और 3 से 15 सेंटीमीटर तक चौड़ा हो सकता है मूंग का, ठीक है। तो ये मूंग का आपको पौधा है फली के साथ, ठीक है, पॉड्स बोलते हैं इसे फली को। ये भी मूंग का आपको ट्राइफोलिएट लीव्स है, ट्राइफोलिएट आपको अरहर का छोटा लीव जरूर होता है, वो भी ट्राइफोलिएट था, ये भी ट्राइफोलिएट है, आपको उड़द का भी इसी तरह से दिखता है, ओके। अगर इसका हम देखें फ्लावर्स में, फ्लावर्स पेपिलियोनेसियस होता है, पेपिलियोनेसियस फ्लावर हम बता चुके हैं कि फ्लावर्स जिसमें तीन जो उसका पेटल्स होता है वो तीन तरह के होते हैं, 5 पेटल्स होते हैं लेकिन 3 तरह के हो सकते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है, विंग्स और कील, 4 से 30 फ्लावर एक बंच में हो सकते हैं, और हल्का पीला कलर का होता है, ठीक है। पॉड जो होता है सिलेंड्रिकल होता है, हल्का हेयरी होता है, और आपको लंबा होता है, ठीक है, लंबा होता है, उसमें 7 से 20 बीज एक पॉड में आ सकता है, जो बीज या तो क्यूब के तरह का, घन के तरह का होगा, या फिर एलिप्सॉइड होगा, हल्का चपटा टाइप का गोल ऐसा, ठीक है। द सीड्स आर वेरिएबल इन कलर, अलग अलग कलर के सीड्स हो सकते हैं, ठीक है। कल्टिवेटेड टाइप जो होता है जनरली ग्रीन या हल्का सुनहरा होगा आपको, लेकिन शाइनी भी हो सकता है। तो ये आपके उनके सीड के, जो वाइल्ड टाइप होते हैं या गोल्डन टाइप के जनरली वो कम यील्ड देते हैं, ठीक है, और वो उसमें शैटरिंग का भी प्रॉब्लम होता है। शैटरिंग एक प्रॉब्लम होता है जनरली आपको इसमें, इसमें क्या होता है, सीड अपने आप फटके बिखर जाएगा, मतलब पका फल, फली पका सीड का फटके बिखर जाना शैटरिंग कहलाता है, ये एक तरह का लॉस होता है, शैटरिंग लॉस। तो इसलिए मैच्योरिटी को हम लोग ध्यान देते हैं कि सीड के, सीड पॉड के फटने से पहले हम लोग हार्वेस्ट कर लें। तो शैटरिंग का प्रॉब्लम आपको वाइल्ड टाइप में ज्यादा होता है, यील्ड भी कम होता है, ठीक है। अगर हम फ्लोर फ्लोरल बायोलॉजी देखें तो ये फ्लोरल बायोलॉजी ज्यादा डिस्कस करने का हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने आपको इसका बता दिया, ये पेपिलियोनेसियस फ्लावर होता है, और पेपिलियोनेसियस फ्लावर अरहर का हमने बताया है, तो अगर आपको देखना है तो फिर अरहर में जाके फ्लावर का टाइप का बायोलॉजी देख सकते हैं। फिर भी बता देते हैं इसमें आपको, फ्लोवर बायोलॉजी में इनफ्लोरेसेंस जो होता है एक्सिलरी रेसिम होता है, बता चुके थे, ठीक है, 10 से 20 फ्लावर पाया जा सकता है एक पेडंकल पे। कोरोला जो है पेपिलियोनेसियस होता है, मतलब पेपिलियोनेसियस कोरोला होने का मतलब है 3 तरह के पेटल्स होंगे उसमें, स्टैंडर्ड, विंग्स और कील। स्टैंडर्ड एक होगा, 2 विंग्स होगा, 2 कील होगा, 5 पेटल्स हो गए। सेपल्स 5 होता है जो ग्रीन कलर का नीचे होता है, तो 5 सेपल्स होंगे, ठीक है। तो ये भी हम बता ही चुके हैं आपको, अगर फिर से देखना है कि पेपिलियोनेसियस फ्लावर कैसा होता है तो अरहर में जाके आप लोग देख सकते हो पेपिलियोनेसियस फ्लावर के बारे में। एंड्रोसियम 9 होते हैं, गायनेसियम 1 होता है, सेम वैसे ही होते हैं जैसे पेपिलियोनेसियस फ्लावर में होते हैं, अरहर में होते हैं, ठीक है। गायनेसियम भी उसी तरह का होता है, 3 पार्ट होगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पेपिलियोनेसियस सारे फ्लावर्स में ऐसे ही होते हैं जनरली, ठीक है। ये अरहर का जनरली इसका जो फली होता है नीचे लटका हुआ होता है, ओके। इसके पॉड है जिसमें 7 से 14, 20 तक सीड्स हो सकते हैं, हल्का घन के तरह क्यूब के शेप में होगा या एलिप्सॉइड होगा, ठीक है। तो इंडिया में जो है 2 तरह के मूंग बीन होते हैं, एक का आपको ब्लैक सीड्स हो सकता है, ब्राउन सीड्स होता है, ठीक है।
मूंग रिजेंबल्स ब्लैक ग्राम, मूंग और ब्लैक ग्राम मतलब मूंग और ब्लैक ग्राम मतलब उड़द, उड़द का साइंटिफिक नेम होता है विग्ना मूंगो, याद रखना कंफ्यूज नहीं होना, मूंगो उड़द के लिए है, स्पीसीज मूंगो जो होता है उड़द का होता है और रेडिएटा आपको मूंग का होता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि मूंगा विग्ना मूंगो किसका साइंटिफिक नेम है, विग्ना मूंगो ब्लैक ग्राम का है, पहले इसका नाम फैसिलस मूंगो करता था, ब्लैक ग्राम मतलब उड़द के हो मूंगो बोलते हैं, ठीक है कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, याद रखना है कि उड़द के लिए मूंगो है और रेडिएटा आपको मूंग के लिए है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक होता है कोरोला में, अगर इसके फ्लावर्स में देखें तो फ्लावर जो होता है बहुत ही मतलब गहरा पीला ब्राइट येलो होगा, मतलब चमकने वाला येलो होगा आपको उड़द में, और हल्का पीला मतलब फेड कलर का पीला होगा आपको किसमें, रेडिएटा में, रेडिएटा मतलब मूंग में, ठीक है। मूंग बीन का जो पॉड होगा वो लटकने वाला होता है जनरली, और जो उड़द का होता है वो सीधा खड़ा होगा ऊपर, अगर प्लांट में देखें तो ऊपर सीधा खड़ा होगा तो उड़द का पॉड होगा, और नीचे झूला हुआ लटका टाइप का रहेगा तो वो मूंग का पॉड होगा, ठीक है। मूंग के मूंग का प्लांट में आपको कम हेयर्स होंगे, और जो उड़द का प्लांट होता है उसमें बहुत ज्यादा हेयरी होते हैं, उड़द का प्लांट मूंग के प्लांट के रिस्पेक्ट में ज्यादा हेयरी होगा, ठीक है। मूंग का प्लांट लाइटर सॉइल्स में जैसे बलवाही या फिर क्ले सॉइल कम होना चाहिए तो उसमें ग्रो करता है ज्यादा अच्छा, जबकि ब्लैक ग्राम आपको ब्लैक सॉइल में भी जो हेवी सॉइल होता है क्ले सॉइल उसमें भी ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम वैरायटीज देखें मूंग का, तो मूंग के ये वैरायटीज है PS1 मोहिनी, पूसा बैसाखी, जवाहर, ML1, TMB37, ठीक है। तो ये सब PAU911, ML818, तो ये सब इसके वैरायटीज है, तो अब अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग वैरायटी लिया जा सकता है। अगर हम बिहार का कंडीशन में देखें तो जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से जो है अलग अलग सीजन में ग्रो करने वाले अलग अलग आपको वैरायटीज है, जैसे HUM16 है फरवरी मार्च में लगाने वाले, PS16, पूसा विशाल, सम्राट पीडी, ठीक है, PDM139 जो सम्राट को ही कहते हैं, सोना और SML668, ये सब वैरायटीज है जो बिहार में ग्रो किए जाने वाले हैं, ठीक है। आपका ड्यूरेशन देख सकते हो, ये 60 से 70 दिन में पक जाता है, ठीक है, 70 दिन से 75 दिन मैक्सिमम लग रहा है पकने का, तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, मतलब ढाई से तीन महीने के बीच में, दो से तीन महीने के बीच में फल पकने वाला है, तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होता है, तो ये कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है इसको, ठीक है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है तो इसको वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, 25 से 35 डिग्री तक अच्छा जा सकता है, और 100 दिन का ग्रोइंग पीरियड है, मतलब 75 दिन का कम ही है 100 दिन से भी, तो 80 से 85 सेंटीमीटर का बारिश होता है तो अच्छा है, और ड्रॉट भी बहुत ही स्ट्रेंथ तक बहुत ज्यादा इसमें ड्रॉट को टॉलरेट कर सकता है ये भी, तो जनरली जैसे ये अरहर था, अरहर से ज्यादा ड्रॉट टॉलरेंट तो नहीं है, लेकिन वो ये भी हार्डिएस्ट क्रॉप है, ठीक है, वन ऑफ द हार्डिएस्ट क्रॉप में आता है ये और उड़द भी, ओके। वाटर लॉगिंग और जो जो क्या बोलते हैं, बादल जब क्लाउडी वेदर रहे मतलब धूप कम रहे तो ये इसके लिए नुकसान करता है क्रॉप के लिए, ठीक है, ये हर सीजन में ग्रो किया जा सकता है। सॉइल जो इसका लाइटर सॉइल ज्यादा इसको प्रीफर किया जा सकता है, ब्लैक कॉटन सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, लाइटर सॉइल ही प्रीफर करता है, ठीक है। सलाइन और अल्कलाइन सॉइल इसके लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है, ठीक है, सलाइन और मतलब 7 से नीचे पीएच हो, ऊपर ज्यादा अच्छा नहीं होगा, ठीक है, वाटर लॉगिंग को भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है, मर सकता है, तो वेरी सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग होता है ये, ओके। फील्ड प्रिपरेशन अगर करना है तो पहले एक या दो जुताई करके उसको क्रॉस हेडिंग या प्लैंकिंग करके बराबर किया जा कर दिया जाता है, फिर उसको लेबलिंग करके वीड वगैरह स्टेबल्स वगैरह सारे हटा दिए जाते हैं। अगर गर्मी में उगाना है तो हम प्री सोइंग मतलब बोने से पहले इरिगेशन हल्का दे सकते हैं, और हर फ्लोइंग या हर रोइंग के बाद हम एक बार प्लैंकिंग करते हैं, बराबर करते हैं ताकि मॉइस्चर कंजर्व रहे सॉइल में, ठीक है। अगर हम स्पेसिंग देखें तो उड़द और खरीफ हम आप आगे जो भी बता रहे हैं उड़द और मूंग दोनों के लिए सेम है, ठीक है, ये उड़द के लिए भी स्पेसिंग इतना ही होगा और मूंग के लिए भी इतना होगा। तो स्पेसिंग 45 सेंटीमीटर रो टू रो और प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर खरीफ में, और रबी में 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो रबी और खरीफ में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, रबी में प्लांट को नजदीक नजदीक लगाते हैं, खरीफ में फैलता बहुत ज्यादा है तो दूर दूर लगाते हैं, तो फैलाव हो जाता है, तो प्लांट का पॉपुलेशन ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है हमें, ठीक है। सीड रेट अगर खरीफ में लगाना है तो कम स्पेस दूरी लगाए तो कम प्लांट लगेगा, तो सीड रेट कम लगेगा, तो 12 से 16 केजी पर हेक्टेयर लगता है खरीफ में लगाने के लिए, और गर्मी में या फिर रबी में लगाना है तो 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर चाहिए होता है सीड्स, ठीक है।
सीड शुड बी सोन, और सीड को जो बीज को जो है 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में बोया जाता है, ठीक है, मूंग को। टाइम ऑफ सोइंग, जब खरीफ पानी, सॉरी सोइंग इज डन ऑन सेट ऑफ मानसून, मानसून जब होता है तो जनरली ये करते हैं, और फरवरी में भी बोते हैं इसको, तो अलग अलग सीजन में इसको बोया जा सकता है। मेथड्स ऑफ सोइंग कैसे है, तो लोकल प्लो या फिर सीड ड्रिल के पीछे भी लगा के कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट जनरली हम लोग थिराम या बेविस्टिन जो फंजीसाइड उससे तो करते ही करते हैं, और ये एक लेग्यूनस क्रॉप है, तो राइजोबियम से जाके जैसे बाकी लेग्यूनस क्रॉप है, अगर मैंने बताया भी लेग्यूनस क्रॉप में जैसे हम लोग राइजोबियम का ट्रीटमेंट करते हैं तो इसको भी सीड ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्योंकि लेग्यूनस है तो नोड्यूल बनेगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा सॉइल में, सीड ट्रीटमेंट लेग्यूनस क्रॉप है तो राइजोबियम का भी करते हैं हम लोग, ओके। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, लगभग आपको अरहर के तरह का ही इसका मैन्योर्स और फर्टिलाइजर का है, ठीक है, 5 टन FIM डाल सकते हैं, नाइट्रोजन 20 kg पर हेक्टेयर, और फॉस्फोरस जो है 40 kg पर हेक्टेयर डालते हैं, सल्फर डालना से अच्छा होता है, और पोटेशियम का जरूरत नहीं है अगर फील्ड में है ठीक तो, ठीक है। रेनफेड कंडीशन में, इरीगेशन में इसको कोई ड्रेनेज का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बहुत अगर इरीगेशन देना है तो वाटर लॉगिंग नहीं हो तो ड्रेनेज प्रॉपर बनाना चाहिए हमको, 5 से 6 इरीगेशन दे अगर वो जरूर है आपके पास तो गर्मी के सीजन में, वैसे बाकी और ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, जब मिट्टी सूखी हो तो दे सकते हैं। पहला इरीगेशन 20 से 25 दिन डेज आफ्टर सोइंग, मतलब सीड बोने के 20 से 25 दिन के बाद हम दे सकते हैं, और अगर आपके पास इरीगेशन की फैसिलिटी है तो हर 15 दिन पे 20 दिन पे आप 12 से 15 दिन के इस पे दे सकते हो, ठीक है। अगर पूरा फूल खिला हुआ है तो उस समय हम लोग उड़द या मूंग में हम लोग इरीगेशन नहीं देते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और लेकिन जब फ्लावरिंग हो चुका होता है और पॉड फिलिंग स्टेज शुरू होता है तो उस समय पानी देना ज्यादा अच्छा होता है, जरूरी होता है, ठीक है। वीडिंग और इंटरकल्चर एक्टिव है तो आपको पहला जो है 20 दिन जो होता है फैलता नहीं, जब क्रॉप फैल जाए तो वीड ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन शुरू में हम लोग वीड का मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। वीड मैनेजमेंट जो है आपको पेंडामिथिलीन प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड या ऑक्सीडाइजोन जो है वो स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोरक्लोराइन भी अगर वीट और मूंग का इंटर क्रॉप कर रहे हैं रबी में तो ये जो है फ्लोक्लोराइन जो है प्री इमर्जेंस होता है वो हम लोग स्प्रे करते हैं फील्ड में, ठीक है। प्लांट प्रोटेक्शन है, डिजीज में होते हैं अलग अलग एफिड जैसिड वाइट जो पेस्ट हैं, वाइट फ्लाइज एंड पॉड बोरर, ये आपके पेस्ट हैं, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज है, येलो मोजैक और मोजैक मॉटल, लीफ क्रिंकल, लीफ कर्ल और सीड रिंग रॉड और सर्कुलर स्पोरा लीफ स्पॉट, ये सब डिजीजेज है। फिर जो है मोजैक इसका येल्लोइंग होता है, तो येल्लो मोजैक जो होता है इसमें वाइट फ्लाई मक्खी के कारण जो है फैलता है, तो इनका कंट्रोल किया जाता है, जो प्रोसीजर होता है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड वगैरह देखिए। हार्वेस्टिंग है, एक बार में हार्वेस्टिंग नहीं होता है, 2-3 बार में हार्वेस्टिंग, जैसे आपको लगे कि इसका तैयार है तोड़ के रख लेते हैं, ठीक है, पॉड उसका तोड़ लिया जाता है, तो 2 या 3 बार पिकिंग हो सकता है इसका, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम एक ही बार इंतजार करें तो उससे शेटरिंग का प्रॉब्लम करना आपका लॉस भी हो सकता है, तो 2-3 पिकिंग्स करते हैं, ठीक है। सुबह सुबह करना चाहिए, जब भी पिकिंग करते हैं फली तोड़ना है तो सुबह में करना चाहिए, ठीक है। थ्रेसिंग शुड बी डन इन थ्रेसिंग यार्ड एंड सीड्स आर सेपरेटेड एंड क्लीन, थ्रेसिंग यार्ड में थ्रेसिंग करो, सीड तो प्रोसीजर ही है। इसका यील्ड जो होता है खरीफ सीजन में 600 से 700 kg पर हेक्टेयर होता है और समर सीजन में 1100 से 1300 kg पर हेक्टेयर होता है, दोनों का लगभग, अरहर का सॉरी अरहर नहीं मूंग और उड़द दोनों के लिए, ठीक है। तो ये हमने मूंग का बताया लेकिन उड़द का भी सेम कंडीशन है, लेकिन उड़द के लिए थोड़ा सा अगर चीजें देखा जाए तो उड़द का क्रोमोसोम नंबर सेम वैसे ही है जैसे मूंग का है, साइंटिफिक नेम विग्ना मूंगो है, उसका विग्ना रेडिएटा था, फैमिली सेम है, सेंटर ऑफ ऑरिजिन इंडिया है, दोनों का सेम है, पोलिनेशन भी सेल्फ पोलिनेशन है, दोनों का सेम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मूंग और उड़द का ये है। एरिया इंडिया में अगर महाराष्ट्र प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन और एरिया दोनों में महाराष्ट्र नंबर वन है और प्रोडक्टिविटी में आंध्र प्रदेश नंबर वन है, ठीक है। वैरायटीज उड़द का अलग अलग वैरायटीज है जैसे LBG, PDU, MASH 414, ठीक है, और येलो मोजैक रेसिस्टेंस के लिए भी है जैसे पंत यू 19, पंत यू 30, सरला, जवाहर उड़द, तेजा, ये सब आपको वैरायटीज जो है YMB येलो मोजैक वायरस के लिए रेसिस्टेंट होता है। उसी तरह पोल्ट्री मिल्ट्री के लिए TAU और IPU, TA2 और IPU 243
उसी तरह स्टेम फ्लाई रेसिस्टेंट केबीजी 512 है, और सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट के लिए जो रेसिस्टेंट है वो है जवाहर उड़द 2 और जवाहर उड़द 3, ये सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट के लिए। और अगर बिहार के कंडीशन में देखा जाए तो ये 90 से 95 मतलब 100 दिन का क्रॉप है, वो 75 से 80 दिन 75 दिन तक का था, ये 95 दिन 20-25 दिन का डिफरेंस है। ठीक है, इसका T9 पंत उड़द 30, पंत उड़द 31, पंत उड़द 35, शेखर, ये सब खरीफ सीजन में उगाया जाने वाला है, और रबी सीजन में उगाने वाला नवीन। ठीक है, नवीन जो है आपको वैरायटी है। तो ये आपका इतना ही था, और कुछ पूछना है